नमस्कार वरुण पांडे नाम है हमारा आप देख रहे हैं एग्जॉन बेरी का संकलन खनन जैसा कि पिछले आपको दो एपिसोड्स में मैंने आपको बताया है कि प्राइमरी स्टेशन और सेकेंडरी स्टेशन में कौन कौन सी मशीनें या फिर कौन कौन से सिस्टम्स को हम लोग असम्बल करके प्राइमरी स्टेशन और सेकेंडरी स्टेशन बनाते हैं या फिर बोलते हैं वैसे आ जाते हैं टर्सरी स्टेशन के ऊपर तो देखते हैं टर्सरी स्टेशन में क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं लगाई जाती हैं और किस चीज़ों के असेंबली को हम लोग टर्सरी स्टेशन बोलते हैं आइए देखते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में सेकेंडरी स्टेशन के बारे में बताया था टर्सरी स्टेशन में मूल रूप से अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है सेकेंडरी और टर्सरी स्टेशन के बीच में बट एक बहुत बड़ा गैप ये है कि दोनों का जो यूज़ है वो बिल्कुल ही अलग है और दोनों में जो पत्थर का साइज़ अगर हम लोग बोले कंज्यूम करना या फिर पत्थर कितना बड़ा जा सकता है उसमें भी बहुत बड़ा गैप है बट ओवरऑल अगर हम लोग मशीनरी की बात करें तो मशीनरी में सिर्फ विशेष रूप से सिर्फ एक ही मशीन चेंज होती है अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो वहाँ पर कौन कशर लगता है और अगर हम टर्सरी की बात करें तो यहाँ पे वी का यूज़ होता है मोस्टली uh, 95 फाइव परसेंट केसेज में या फिर uh, उसके अलावा आप सैंड कोन या फिर रोल कशर ये सब चीज़ें यूज होती हैं पर टर्सरी सेशन में मूल रूप से वी ही यूज़ किया जाता है तो हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें आवश्यकता पड़ती हैं टर्सरी सेशन में एक छोटा आपको हॉपर या फिर एक स्टॉक पल बनाना पड़ेगा जो ज़मीन पर आप स्टॉक पल बना सकते हैं या फिर एक हॉपर बना सकते हैं जो कंटिन्यू आपको वी को फीड देगा अब वी में कौन सा मटेरियल जाता है आ, कौन कशर से जो मटेरियल ऑलरेडी टूट चुका है जिसका सेप काफ़ी छोटा है वो मटेरियल अब हम लोग आगे वी में या तो रॉल कशर में या फिर सैंड कोन में हम लोग फीड करते हैं अलग अलग मशीन में अलग अलग साइजेस जाते हैं उसके लिए अलग से वीडियो आएगा जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन सी मशीन कितना बड़ा फीड साइज लेती है और कौन सा आ, मशीन में कितने बड़े फीड साइज़ देने से वो बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगा तो वी एक तो ये हो गया क्लियर कि एक हॉपर की आवश्यकता होगी हॉपर के साथ आपको एक फीडर की आवश्यकता होगी उसके बाद काफ़ी सारे कन्वेयर्स की आवश्यकता होगी यहाँ पे आपको एक वी की ज़रूरत पड़ेगी वर्टिकल साफ्ट इम्पैक्टर इसको बोलते हैं आ, या फिर रॉल कशर या फिर जो भी आप लगाना चाहें ट्रसरी स्टेशन में मोस्टली वी लगाएंगे आगे इसके साथ एक आपको वाइब्रेटिंग स्क्रीन लेना पड़ेगा जो वी से क्रश किया गया मटेरियल फिर शेप किए हुए मटेरियल को या फिर रोल कचर से क्रश किए हुए मटेरियल को अलग अलग छानेगा या फिर अलग अलग सिगरेट करके उसको यूज़ के लिए अलग अलग करेगा ताकि हम उसको आगे सेल कर सकें तो हमें आवश्यकता यहाँ पड़ेगी एक हॉपर की एक फीडर की आ, एक मेटल डिटेक्टर की क्योंकि वी में अगर लोहा वगैरह चला जाएगा तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो एक मेटल डिटेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी उसके बाद आपको एक स्क्रीन की आवश्यकता पड़ रही है और काफ़ी सारे कन्वेयर की आवश्यकता पड़ रही है उसके अलावा हमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल्स की जरूरत पड़ेगी जिसपे हम लोग वी और स्क्रीन फिट करेंगे या तो आप वो स्ट्रक्चर सिविल के भी बनवा सकते हैं या तो आप लोहे के बनवा सकते हैं दोनों ही आप उपयोग कर सकते हैं बट इस केस में हंड्रेड लोग जो है नाइन्टी या नाइन्टी लोग लोहे का ही स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वी के लिए क्योंकि वी का वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है आ, तो इसलिए वो वी एस का यूज़ करते हैं लोहे के स्ट्रक्चर में ही तो मूल रूप से ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है हमें एक टर्सरी स्टेशन के लिए तो आइए देखते हैं इसके आगे कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में जॉ कशर के, के केस में भी बताया था या कोन कशर के भी केस में बताया था सेम यहां पे भी वी के केस में भी यही है कि आप बहुत बड़ा पत्थर फीड ना करें वी को नहीं तो आपके रोटर में या तो वो जाम हो जाएगा फंस जाएगा वो रोटर के अंदर वी का वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे काम करता है बट बहुत बड़ा पत्थर कोई भी टर्सरी स्टेशन अगर आपके पास है तो बहुत बड़ा पत्थर नहीं लेगा अगर आप सैंड कौन ले रहे हैं तो डिपेंड करता है उसके फीड ओपनिंग पर बट जनरली आप इसको जीरो से लेके या फिर फोर्टी तक फोर्टी एम तक यानी लगभग डेढ़ इंच या दो इंच तक आप उसको फिट कर सकते हैं बट आपको अगर ज्यादा प्रोडक्शन या अच्छा प्रोडक्शन चाहिए टर्सरी स्टेशन का तो आप छोटे से छोटा पत्थर उसमें फीड करें ट्वेंटी एम एम या थर्टी एम तक आप पत्थर फीड करिएगा तो आपको अच्छा प्रोडक्शन आएगा सेम चीज़ आपको वी में भी है वी में भी आप कोशिश करिए कि आप थर्टी एम mm से छोटा पत्थर ही फीड करिए तो आपको एक अच्छा प्रोडक्शन आता है थर्टी या थर्टी फाइव mm, बट ज़्यादा बड़ा पत्थर आपको फीड नहीं करना है वी में रॉयल कशर में आपको ट्वेंटी एम mm से बड़ा पत्थर फीड नहीं करना चाहिए जर्नली अगर आपके पास एक नॉर्मल रॉल कशर है जिससे आप सैंड का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उसमें भी आप बहुत बड़ा पत्थर फीड मत करिए नहीं तो आपको टूट फूट ज़्यादा होगा या फिर मशीन में मेंटेनेंस आपका काफ़ी बढ़ जाएगा तो ये एक मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है आ, वी के, के केस में या फिर कोन के, के केस में या फिर आपको आ, क्या बोलते हैं रोल कशर के केस में इन सब में अगर हम लोग बात करेंगे तो सैंड के लिए सबसे बढ़िया है आप सैंड कौन लगाएं और अगर आपको एनएच या किसी और टेंडर वगैरह मिला हुआ है एन का या फिर कहाँ कहीं अगर आपको स्पेसिफिक वी का ही मटेरियल देना है तो आप वी एस लगाएं सैंड के प्रोडक्शन के लिए तो ये सारी चीजें हैं टर्सरी स्टेशन के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको टर्सरी स्टेशन में असेंबली के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन के बारे में आप बेझिजक होकर मुझे आप फोन कर सकते हैं एसएमएस कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे इस सेम इसी चैनल के नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर किसी भी आ, मेरी अगर कोई भी बात आपको लगता है कि नहीं ये सही या गलत है तो आप मुझसे प्लीज अपने विचार शेयर करें ताकि मेरी भी नॉलेज थोड़ी बढ़े आपके साथ साथ तो अगर कोई भी अगर लगता है कि नहीं ये चीज़ सही है या गलत है तो पक्का आप मुझे उस चीज़ के लिए टोकें और मैं भी आपसे सीखूँगा और देखते हैं आगे एपिसोड्स में काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं ताकि आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर होती रहें जॉ प्रशर के बारे में कौन क्रेशर के बारे में वाइब्रेटिंग स्क्रीन के बारे में और अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में आर के बारे में मैं आपको बताऊँगा आने वाले एपिसोड्स में तो एक, एक करके मैं सारे प्रोडक्ट्स आपको कम्प्लीट करूँगा या फिर लोडर की जरूरत पड़ेगी तो लोडर के बारे में भी आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा तो उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा आप देख रहे हैं एग्जॉन बेरी का संकलन खनन मेरा नाम वरुण पांडे है नमस्कार जय हिंद जय जै भारत